माही नदी और मधुकन्या नदी के समागम स्थल पर बसे श्रृंगेश्वर महादेव धाम पर 12 जुलाई की रात में रतलाम के सुप्रसिद्ध कलाकार जीतू भाई द्वारा सूरज भाई मंडीवाला की टीम द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन के पूर्व तीर्थधाम में विराजित बाबा महाकाल की पूजन अर्चन के बाद भजन संध्या का श्री गणेश किया गया। आयोजन के पूर्व भजन संध्या में पधारे महादेव धाम गादीपति महंत श्री रामेश्वर गिरी महाराज, महंत ईश्वर दास शास्त्री रामगढ़, अरुण शर्मा राजगढ़, पंकज सोनी झापुआ नलवाया पिटलावर, भरत भाई पटेल बोदली, ठाकुर भूपेन्द्र सिंह सेमलिया, लक्ष्मण सिंह सिंगार अध्यापक, प्रकाश राठौर समाजसेवी, गोपाल राठौर और भानगढ़ से पधारे नव निर्वाचित सरपंच प्रकाश मकवाना, भैरूपाड़ा नव निर्वाचित सरपंच वर्दी चंद वसुनिया, कुंभाखेड़ी नारू नव निर्वाचित सरपंच राम सिंह नेनामा आदि अतिथियों का समिति द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की पूर्व रात्रि में विशाल भजन संध्या में धार झाबू और रतलाम सहित कई आसपास के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भजन संध्या में उपस्थिति दर्ज कराई। रतलाम के प्रसिद्ध कलाकार जीतू भाई दोराने मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा जैसे भजनों पर श्रोताओं को खूब झुमाया। वहीं जीतू भाई दोराने शिव तांडव मंत्र से समस्त भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही भजनों के बीच माँ शेरावाली और पावागढ़ वाली को याद करते हुए गरबों पर भी महिला और पुरुषों को गरबा खेलने को मजबूर कर दिया। समस्त गुरु भक्त अपने आप को प्रभु भक्ति में लीन होने से नहीं रोक पाए, हर कोई मस्ती में बाबा महाकालेश्वर के भजनों पर झूमते नजर आया। रामगढ़ आश्रम से पधारे महंत श्री ईश्वरदास शास्त्री ने समस्त गुरु भक्तों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि हर किसी के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, वही हमें सही मार्ग और सही राह ले जाते हैं। इसके साथ ही श्रोताओं से कहा कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दिन सभी अपने अपने आराध्य गुरु का स्मरण करें, उनके जीवन को देखकर बातें अपने जीवन में उतारें। विशाल भजन संध्या में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले जीतू भाई धोरा और सूरज भाई मंडी वाले का श्रृंगेश्वर धाम समिति सदस्यों द्वारा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही आर्गन मास्टर प्रद्युमन, ऑटोपैड मास्टर दीपक, तबला मास्टर ओम प्रकाश, ढोलक मास्टर आयुष और लाबरिया के प्रसिद्ध साउंड सिस्टम मालिक का भी अच्छी सेवा प्रदान करने पर समिति द्वारा सम्मान किया गया। मंच संचालन मनीष कुमार जैन ने किया, आभार राजेश शर्मा ने माना। Mari tara aa mai na
सभी अपने गुरु की महिमा का गुणगान गाते हैं, गाना चाहिए। यही हमारी मानव जीवन की सफलता है। तो आइए सर्वप्रथम अपने अपने इष्ट का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद आगे चर्चा होगी। ध्यायेतम सद्गुरु श्वेत रूपमवलम श्वेतांबरम शोभितम कर्णैर्कुण्डल श्वेत शुभ्रमुकुटम हीरामणिमण्डितम नानामालमुक्तादिशोभितगला पद्मासने सुस्थितम दयावदीर्य धीर सुप्रसन्नवदनम।